नमस्ते बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोग को 8th चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ। तो आपका 8th चैप्टर है कीपिंग फिट, फिट रहना। वी विल लर्न अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ कीपिंग फिट। फिट रहने के भी इम्पोर्टेंस है। अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ ए गुड पोस्चर। गुड पोस्चर के भी इम्पोर्टेंस है। नो दैट रेस्ट एंड स्लीप आर इम्पोर्टेंट फॉर गुड हेल्थ। गुड हेल्थ के लिए रेस्ट और स्लीप दोनों की जरूरत होती है। तो इसके बारे में इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे। सिंग दिस सॉन्ग, वेक अप अर्ली विथ ए स्माइल। हम लोग सुबह उठेंगे तो स्माइल करते हुए उठेंगे। डू योर एक्सरसाइज फॉर ए व्हाइल, और उसके बाद कुछ देर एक्सरसाइज करनी चाहिए। ईट ए हेल्दी ब्रेकफास्ट, और हेल्दी ब्रेकफास्ट खाना चाहिए। गो टू स्कूल, स्टडी हार्ड, उसके बाद स्कूल जाना चाहिए और कड़ी मेहनत करनी चाहिए। एंड फॉलो द रूल्स, रूल्स का फॉलो करना चाहिए। कम्प्लीट योर होमवर्क, और अपने होमवर्क को कम्प्लीट करना चाहिए। इंजॉय योर प्ले, और खेलने में इंजॉय के साथ खेलना चाहिए। देन गो टू स्लीप एंड रेस्ट फॉर द डे, और दिन में रेस्ट करना चाहिए, फिर सो जाना चाहिए। वी ऑल नीड टू बी हेल्दी। हम लोग को हेल्दी रहने की जरूरत होती है। यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट टू बी हेल्दी यू नीड टू ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि हेल्दी रहने के लिए क्या चीज की जरूरत होती है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने की जरूरत होती है। वी ऑल्सो नीड टू बी फिट एंड क्लीन टू बी हेल्दी। हेल्दी रहने के लिए फिट रहना और क्लीन रहना भी चाहिए, इसकी जरूरत होती है। कीपिंग फिट, फिट रहना। यू डू थिंक वी कैन प्ले आउटडोर्स एंड हैव फन इफ वी आर इल। आप सोचते होंगे कि हम लोग बीमार भी रहेंगे तो बाहर खेलेंगे और मस्ती करेंगे। नो, वी कैन नॉट हैव फन इफ वी आर नॉट वेल। नहीं, यदि आप बीमार रहेंगे तो बाहर नहीं खेल पाएंगे और मस्ती नहीं कर पाएंगे। व्हाट मस्ट वी डू टू कीप फिट एंड बी हेल्दी। हम लोग फिट और हेल्दी रहने के लिए क्या करने की जरूरत होती है, तो वी शुड एक्सरसाइज डेली। फिट और हेल्दी रहने के लिए हम लोग को डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए। इट मेक्स आवर बॉडी हेल्दी एंड स्ट्रांग। इससे हमारा बॉडी हेल्दी और स्ट्रांग बनता है। प्लेइंग आउटडोर्स, साइकिलिंग, स्विमिंग एंड डूइंग योगा आर सम गुड फॉर्म्स ऑफ एक्सरसाइज। ये सभी प्लेइंग आउटडोर्स गेम, जो घर के बाहर गेम खेलते हैं, वो एक तरह से एक्सरसाइज हैं। साइकिलिंग, स्विमिंग और डूइंग योगा, ये सभी जो है एक्सरसाइज के अच्छे तरीके हैं। तो इसे हम लोग को करनी चाहिए। अब करेक्ट पोस्चर, पोस्चर मीन्स क्या होता है, तरीका। तो हम लोग का तरीका क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। द वे यू होल्ड योर सेल्फ वेन यू आर सिटिंग, वॉकिंग एंड और स्टैंडिंग इज कॉल्ड पोस्चर। यदि बैठने के तरीके, टहलने के, खड़े होने के तरीकों को क्या कहते हैं, पोस्चर कहते हैं। तो ये तरीका हम लोग का क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। वी मस्ट ऑलवेज हैव ए करेक्ट पोस्चर। हम लोग का पोस्चर कैसा होना चाहिए, सही होना चाहिए। हम लोग सही से, सीधे से, स्ट्रेट में हम लोग को बैठना चाहिए, स्ट्रेट में हम लोग को खड़े होना चाहिए और स्ट्रेट में वॉकिंग करना चाहिए। यदि हम लोग का पोस्चर सही रहेगा तो हम लोग फिट रहेंगे और हेल्दी भी रहेंगे। और अगले क्लास में हम आगे आप लोग को पढ़ाएंगे। बाय।